लाइफ इज़ शॉर्ट एंड ये हर मिनट ख़त्म हो रही है, फिर क्यों हम इसे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने में वेस्ट करते हैं। ये उन क्वेश्चंस में से एक है जो चक पैलेन्यूक ने अपनी नॉवल में पूछे, जिसका नाम है फाइट क्लब। फिल्म वर्जन ऑफ फाइट क्लब 1999 में रिलीज़ हुआ था एंड एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड वाज ब्लोन अवे बाय द कैरेक्टर ऑफ टायलर डर्डन। ये मूवी हमें आज की जनरेशन के लोगों की स्टोरी बताती है, जिनका लाइफ पर्पस क्लियर नहीं है, सारी होप खो चुके हैं, जिन्हें फॉल्स एक्सपेक्टेशंस के साथ रेस किया गया और सोशल नॉर्म्स में बांध दिया गया। टायलर डर्डन का कैरेक्टर एक इंसान लाइफ से क्या चाहता है उसकी इम्पॉर्टेंस जानने पर जोर देता है। टायलर मूवी में नैरेटर एडवर्ड नॉर्टन के दिमाग में बनाया हुआ एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है जो नैरेटर को भी नहीं पता होता। टायलर के कैरेक्टर से लोग काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे क्योंकि वो हम सभी की एक हिडन साइड रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा क्या है जो टायलर को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है, क्यों हम उससे इतना कनेक्टेड फील करते हैं? हिज केयर फ्री एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जो चीज़ टायलर को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है वो है उसका केयर फ्री एटीट्यूड। हर दिन हमें ज़िंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट हम में से ज़्यादातर लोग इस अपॉर्चुनिटी को कुछ ऐसा करने में गंवा देते हैं जो हम नहीं करना चाहते बट स्टिल करते हैं। इसके जस्ट ऑपोजिट टायलर ज़िंदगी की वैल्यू समझता है और इस फैक्ट को बहुत अच्छे से जानता है कि ये लाइफ कितनी लिमिटेड है। उसकी लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं है, ना ही वो फालतू का स्ट्रेस लेता है। यही तो हम भी चाहते हैं, अ लाइफ विदाउट एनी एंग्जाइटी एंड सॉरो। ही सेज, आई से नेवर बी कम्प्लीट, आई से स्टॉप बीइंग परफेक्ट, आई से लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। आज इस कंज्यूमरिज्म, ब्रांड्स एंड स्टेटस को की एज में मटेरियल पजेशंस के लिए ना सिर्फ हमारी ख्वाहिशें और बढ़ती हैं, बल्कि ये मटेरियलिज्म एक पॉइंट के बाद हमें पजेस करना शुरू कर देता है। काफ़ी लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इस स्केल पर नापते हैं कि उनके पास एक्सटर्नल गुड्स, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं और डे इन एंड डे आउट इन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बॉडी और ज़्यादा सैलरी। बट द ट्रूथ इज़, आप लाइफ में कितनी ही मटेरियलिस्टिक चीज़ें कलेक्ट कर लें तब भी आप कंप्लीट या सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाएंगे। इट्स अ फैक्ट। आपने नोटिस भी किया होगा, एवरी टाइम जब भी आपकी कोई विश या डिज़ायर होती है आप सोचते हैं जैसे ही ये पूरी हो जाएगी मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। जैसे मूवी में एडवर्ड नॉर्टन का कैरेक्टर होता है, वो खुद को कम्प्लीट फील कराने के लिए गुड क्वालिटी आईकिया फर्नीचर या मटेरियलिस्टिक गुड्स खरीदता रहता है, बट स्टिल उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। ऐसे ही हम भी सोचते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने लगेंगे या एक सर्टेन चीज़ खरीद लेंगे तो हम कंप्लीट फील करेंगे, बट ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जैसे ही हमारी एक डिज़ायर पूरी होती है वैसे ही दूसरी आ जाती है और हम इमीडिएटली उसे पूरा करने में लग जाते हैं, स्टिल खुशी कहीं नज़र नहीं आती। इन शॉर्ट हम सभी इस कॉन्स्टेंट डिज़ायर के लूप में फंसे हुए हैं जिससे निकलना मुश्किल लगता है। इसलिए ये आइडिया लेटिंग द पीसेस फॉल वेयर दे मे बहुत सिग्निफिकेंट लगता है। जस्ट नो इट कि हम पूरी तरह से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे, कुछ ना कुछ हमेशा मिसिंग रहेगा। इसलिए चीज़ों को कंट्रोल करना और उनके पीछे एंडलेसली भागना छोड़ना होगा। टायलर को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो विदाउट इवन गिविंग इट अ सेकेंड थॉट वो आगे बढ़ जाता है। वो स्टेटस को एंड दूसरों को इम्प्रेस करने के फैक्ट से बंधा नहीं है, बल्कि एकदम आज़ाद है। वो लाइफ जीतने और हारने के कॉन्सेप्ट से अलग जैसी भी है उसे वैसे ही जीता है। वो चीज़ों को ओपन हार्टेड एक्सेप्ट करता है, फिर चाहे वो कैसी भी हो, अच्छी या बुरी। हिज एटीट्यूड इज़ बी लाइक वाटर, जस्ट गो विद द फ्लो एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। इन वन ऑफ द डायलॉग्स टायलर सेज, इट्स ओनली आफ्टर वीव लॉस्ट एवरीथिंग दैट वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। टायलर ये डायलॉग मूवी के एक इंटेंस सीन में बोलता है।
इस सीन में टायलर डर्डन नैरेटर का हाथ एक केमिकल से बर्न करता है। उस वक्त नैरेटर बहुत पेन में होता है और टायलर से उसका हाथ छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। टायलर उसका हाथ नहीं छोड़ता और बोलता है उसे ये फैक्ट एक्सेप्ट करना होगा कि वो एक दिन मर जाएगा। ये लाइफ का हार्श ट्रूथ है, इसलिए उसे डर डर के जीना छोड़ना होगा और लाइफ में होने वाले पेन को एम्ब्रेस करना होगा। ये इस मूवी का मोस्ट फेमस कोट है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट ब्रिंग्स टू माइंड द प्रिंसिपल ऑफ डिटैचमेंट। हम खुद को चीज़ों से बांध कर रखते हैं, उन्हें खोने के डर से हम रिस्क नहीं लेते, अपने ड्रीम्स परस्यू नहीं करते। बट एक बार जब हम उन चीज़ों से खुद को डिटैच कर देते हैं, तब अपने ड्रीम्स फॉलो करने एंड रिस्क लेने के लिए फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं होता और उस वक्त लाइफ में एक्चुअल में क्या मैटर करता है वो क्लियरली दिखता है। टायलर को जॉब्स करना पसंद नहीं होता। हम में से ज़्यादातर लोग जॉब्स इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें पसंद होती हैं, बल्कि इसलिए कि ये हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराती हैं। हर इंसान खुद को एक सेफ्टी नेट से कवर करना चाहता है। सभी लाइफ की हार्डशिप से बचना चाहते हैं। बट द फैक्ट इज, जैसे ही आप लाइफ में सिक्योरिंग शुरू करते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट आप उसे एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं, बिकॉज एक्सप्लोरिंग रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क। टायलर को जॉब्स करना पसंद नहीं होता। उसका मानना है ये हमारी सोल्स को स्लेव बना देती हैं। टायलर लिव्स एवरी डे एज इट्स लास्ट। हम हर रात सुबह उठने की होप के साथ सोने जाते हैं, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन आप उठेंगे भी या नहीं। इट्स ट्रू, हम किसी भी मोमेंट मर सकते हैं और वो मोमेंट कौन सा होगा हम में से कोई नहीं जानता। बट इसे सीरियसली नहीं लेते एंड ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे हम इमॉर्टल्स हैं एंड हमारे पास बहुत सारा टाइम है। टायलर अपनी लाइफ का हर एक मोमेंट खुल के जीता है। उसका जो मन होता है वो करता है। उसकी क्वालिटीज़ लाइक केयरफ्री एटीट्यूड, डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, ये सब इसलिए होती हैं क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि लाइफ कितनी लिमिटेड है एंड ये कभी भी एंड हो सकती है। ये सुनने में क्लीशे लग सकता है बट है नहीं। यू डू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इस लाइफ में लिमिटेड वक्त मिला है जो कभी भी ख़त्म हो सकता है। जब आप ये समझ जाएंगे तो लाइफ को देखने का आपका नज़रिया खुद ब खुद बदल जाएगा। तब आप फ्रीडम चूज़ करेंगे, ना कि कॉम्प्रोमाइज़। एंड देन आप कुछ भी करने से पहले दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देंगे कि वो क्या सोचेंगे या बोलेंगे। टायलर इज़ स्पिरिचुअल। इट्स ओनली जब इंसान डेथ बेड पर होता है या उसे पता चलता है कि वो कुछ समय में मर जाएगा, तभी उसे लाइफ की इम्पॉर्टेंस समझ में आती है। टायलर का ज़िंदगी जीने का तरीका स्पिरिचुअल है क्योंकि वो पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट एंड उसे खुल के जीने में बिलीव करता है। टायलर अपने इमोशंस से बंधा हुआ नहीं है। उसका मानना है हमारे इमोशंस हमें वीक बनाते हैं और हमें वो करने से रोकते हैं जो हम बैडली करना चाहते हैं। जब एक इंसान स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होता है, तब वो कुछ ऐसा बनने की कोशिश नहीं करता जो वो नहीं है, बल्कि वो रियल में जैसा है वैसे ही रहता है और तब उसके लिए दूसरों के ओपिनियंस मैटर नहीं करते। पीपल डू इट एवरी डे, दे टॉक टू देमसेल्व्स, दे सी देमसेल्व्स एज दे वुड लाइक टू बी, दे डोंट हैव द करेज यू हैव टू जस्ट रन विद इट। ये डायलॉग मूवी के एंड में है जब नैरेटर रियलाइज करता है कि वही टायलर डर्डन है। जब वो टायलर से पूछता है कि उसने गलत एक्शंस एंड सिटी में केओस क्यों क्रिएट किया, तब टायलर उसे रिवील करता है कि वो सिर्फ नैरेटर का बनाया हुआ एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, रियल में सब कुछ नैरेटर ने ही किया है। टायलर उसे ट्रूथ बताता है कि नैरेटर हमेशा टायलर की तरह बनना चाहता था, लेकिन उसने सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपने ट्रू सेल्फ को दबाता रहा। टायलर उसे कहता है कि अपनी मिजरेबल लाइफ से निकलने के लिए ही उसने उसका इमेजिनरी कैरेक्टर बनाया, क्योंकि टायलर उसका जस्ट ऑपोजिट है, वो जो चाहता है वो करता है। ये सेकेंड पर्सनैलिटी जो इस मूवी में दिखाई है वो हम सभी के अंदर होती है, एक आइडियल सेल्फ जैसा हम रियल में बनना चाहते हैं,
बट उसे कभी बाहर नहीं आने देते, क्योंकि हम सोसाइटी के बने हुए स्केल पर फिट होना चाहते हैं एंड इवेंचुअली अपने रियल सेल्फ को छुपा देते हैं और कुछ ऐसा बनने का एक्ट करते रहते हैं जो हम नहीं हैं। बट एक ना एक पॉइंट पर ये थॉट हम सभी के दिमाग में ज़रूर आती है जब हम ये सोचते हैं, काश फॉर वंस आई कुड बी माई सेल्फ। इट्स जस्ट अबाउट गिविंग योर सेल्फ परमिशन टू डू थिंग्स योर वे, टू ट्राई समथिंग, मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी, समथिंग दैट फील्स राइट टू यू, नॉट अदर्स। इसलिए अगर आप अपने ट्रू सेल्फ को अंदर दबाते हुए थक चुके हैं तो उसे बाहर आने दें। अगर आप अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं या कोई आइडिया स्टार्ट करना चाहते हैं, देन जस्ट डू इट, डोंट थिंक टू मच, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप एंड डू इट। अगर आप भी नैरेटर की तरह अकेले में खुद से बातें करते हैं एंड कुछ और बनना चाहते हैं, देन जस्ट गो अहेड एंड बी दैट थिंग। डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट प्रिटेंड टू बी समथिंग यू आर नॉट। मूवी में एडवर्ड नॉर्टन का इमेजिनरी कैरेक्टर ऑफकोर्स उसे रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाता है, बट आप राइट पाथ चूज करके सही रास्ते पर जा सकते हैं। आई थिंक टायलर डर्डन उन लोगों के लिए एक कल्चरल आइकन बन चुका है हु लैक द करेज टू लिव देयर लाइफ द वे दे वॉन्ट टू। जो हमें रियली चाहिए वो है अपने ट्रू सेल्फ को फेस करने का करेज, उसकी एक्सेप्टेंस, एंड टायलर वो ट्रू सेल्फ ही है जो नैरेटर को थ्रू आउट द होल प्रोसेस गाइड करता है। टायलर हमें करेज देता है वो बनने का जो हम बनना चाहते हैं। हम सभी इंसोम्निया से तो सफ़र नहीं करते, बट एक झूठ से सफ़र करते हैं जिसे हर दिन जीते हैं। फाइट क्लब, स्टेटस को एंड मिजरेबल लाइफ के अगेंस्ट रिबेलियन की कहानी है कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स सोशल नॉर्म्स एंड मटेरियल पोजेशंस के ट्रैप में फंसे होते हैं। टायलर हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है, इवन दो उसके इनसाइट्स प्रोफाउंड हैं बट एग्जीक्यूशन क्वेश्चनेबल। फाइट क्लब एंड उनका टेररिस्ट ब्रांच प्रोजेक्ट मेहम शो करता है कि एक आइडियोलॉजी को अपोज करके दूसरी को फॉलो करना कितना आसान होता है, जो खतरनाक हो सकता है। नेवरदिलेस टायलर हमें सेल्फ सफिशियंट होने एंड अथॉरिटीज़ के ऑर्डर्स ना फॉलो करने के लिए चैलेंज करता है, जिससे हम ऑथेंटिकली हर मोमेंट जैसे हम चाहते हैं वैसे जी सकते हैं, अपने फियर फेस कर सकते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं एंड लेट द थिंग्स दैट डोंट मैटर ट्रूली स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।